देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से देश में ऐसे ही लोग परेशान हैं। प्रवासी मजदूर मीलों दूर चलकर अपने घर पहुंचे हैं। कई लोग कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगार हुए। ऐसे में देश में पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना मतलब हर वो चीज़ों के दाम बढ़ना जो हमें रोज लगते हैं, जैसे सब्जियों का दाम बढ़ना। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ों पर असर पड़ते हैं। ऐसे में एक आम आदमी और परेशान हो रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से। लोग ऐसे ही कोरोना से परेशान है और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश में जो सरकार है बीजेपी सरकार, पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ाकर लोगों को और दुविधा में डाल दिए हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वे इन जो पेट्रोल और डीजल का भाव जो बढ़ाया है उसे कम करें ताकि आम आदमी को थोड़ा रिलीफ मिले। 2014 के पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, यह बीजेपी का नारा था। लेकिन आज 2020 में जब बीजेपी का सरकार है तो पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ाया जा रहा है। इससे आम आदमी बहुत ही परेशान है। आम आदमी कोरोना से वैसे ही परेशान थे और पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से और ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से हर कोई चीजों पे असर हो रहा है। तो इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे पेट्रोल और डीजल का दाम और ना बढ़ाते हुए थोड़ा कम किया जाए ताकि लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल सके, क्योंकि पेट्रोल का भाव अब 80 के पार हो चुका है और जिस तेजी से पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ रहा है ऐसे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में पेट्रोल का भाव 100 के पार होगा। तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप थोड़ा आम आदमी के दुख को समझें और पेट्रोल और डीजल के कीमतों को कम करें। यही हम आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद।